हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 12, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्विता बॉट 2 kg ऑफ कैबेज। यानी जो श्विता है वो क्या खरीदती है, 2 kg कैबेज, 4 kg ऑफ कुकुम्बर, 3 kg 700 ग्राम्स याम एंड 2 kg 900 ग्राम्स ऑफ अदर वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यानी मार्केट से ये कुछ वेजिटेबल्स है वो बोट करती है, खरीदती है। फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ हर बैग। सभी जो वेजिटेबल्स है उसने खरीदे किसके अंदर डाली है, बैग के अंदर। बैग में टोटल वेट कितना हो गया वेजिटेबल्स का, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको ऐड करना है किलोग्राम ग्राम। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जो कैबेज है वो आपके देर की 2 kg, ग्राम नहीं है इसमें, तो ग्राम के अंदर आपको 0 0 ऐड करना है। ये था आपका कैबेज के लिए। इसके बाद में आपको दे रहेगा 4 kg कुकुम्बर, फिर इसके बाद में आपको दे रहा है 3 kg 700 ग्राम, 3 kg 700 ग्राम्स याम। इसके बाद में 2 kg 900 ग्राम्स, 2 kg 900 ग्राम्स अदर वेजिटेबल्स। इनको ऐड करना है, यहाँ पे 0 0 0 0 जाएगा, 0 0 0 0 का 9 और 7 मिला के 16 0 0, यानी 16 का आपको 6 ऐड करना है, 1 चला जाएगा एरिया में। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 मिला के 10, 10 और 2 मिला के जाएगा 12। टोटल वेट हो गया 12 kg 600 ग्राम। तो ये था टोटल वेट 12 kg 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश बॉट 2 kg 500 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक, 5 kg 200 ग्राम्स ऑफ चिल्ली, 4 kg 700 ग्राम्स ऑफ कोरिएंडर एंड 10 kg ऑफ साल्ट फ्रॉम ग्रेन मार्केट। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल गुड्स, यानी जो सामान खरीदा उसने टोटल जो वेट कितना होगा उस पूरे सामान का, वो आपको फाइंड करना है। इसमें आपको केजी ग्राम यहाँ पे दिया गया 2 kg 500 ग्राम, 2 kg 500 ग्राम्स टर्मरिक। इसके बाद में आपको 5 kg 200 ग्राम्स चिल्ली, इसके बाद में 4 kg 700 ग्राम्स कोरिएंडर और 10 kg साल्ट, प्लस करना है 0 0 0 मिला के होगा 0 0 0 0 मिला के होगा 0 0, 7 और 2 मिला के 9, 9 और 5 मिला के 14 का 4, 1 चला जाएगा कैरी में। 2 और 1 3, 3 और 5 मिला के 8, 8 और 2 मिला के हो जाएगा आपका 12, 12 और 10 मिला के होगा 22। यानी इसका जो टोटल वेट होगा वो होगा 22 kg 400 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, फाइंड आउट, यानी आपको यहाँ पे किलोग्राम दिए गए, आपको ग्राम में इनको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दिया गया 3 1/2, 3 1/2, यानी आपको ऐड करना है 3 × 1000, यानी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/2 × 2 × 1000। 2 दे रखा था, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 बच गए, आपको यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ 3 को 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, यानी 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3, 3 0 आपको यहाँ पे लगाना है, प्लस यहाँ देखा आपको नीचे तो 2 था वो कट हो गया, ऊपर 1 है तो 1 से 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 बन जा 500, तो प्लस करेंगे 3500,
3500 ग्राम्स हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में आपको दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1000। 5 1 5 5 2 10 1 2 या 3 को मैं 3 1 3 1 2 3 0 लगाना है यहाँ पे प्लस नीचे 5 था वो कट हो गया ऊपर है 2 को 2 से करने 2 2 4 इसके 2 0 है वो ऐड करने हैं। ये 3000 ये 4 प्लस करेंगे तो जाएगा 3400 ग्राम्स। इसके बाद में दिया गया आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से प्लस 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 1000 हो गए यहाँ पे। अब 4 से कट करेंगे इसको 4 1 4 4 1 4 4 2 8 टू टाइम इसमें 2 बच गया। या मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से अगर 4 होगा तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें आएगा आपका 250 इसको कट करने पे। और यहाँ पे दिया गया आपको 3 यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 4 3 0 ऐड करने नीचे 4 कट हो गया 3 को मल्टीप्लाई करना 25 से तो 25 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 3 75 और जो 0 है वो ऐड करना है तो 4750 इनको प्लस करने पे टोटल हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा 2 n 1 अपॉन में 5 2 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से प्लस 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1000 5 1 5 5 2 10 ये 2 0 आपको यहाँ राइट करना है। तो यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 2 और 3 0 लगाना है प्लस यहाँ ऊपर नीचे जो 5 था वो कट हो गया ऊपर जो 1 है 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाए 200 तो 2200 यानी 2200 आराम से जाएगा इसका टोटल। तो इस प्रकार से आपको इनको कन्वर्ट करना है। इससे अच्छा तरीका और था जैसे वो मैंने आपको बताया था उनको याद करना था, जैसे अगर अपॉन में 2 होता है आपको 1000 से कट करना है तो क्या होगा इसका 500 और अगर अपॉन में 4 होगा तो मैंने आपको बताया था 250 5 होगा इसके लिए मैंने आपको बताया था 200। तो ये आपको 3 अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फाइंड आउट यानी आपको ग्राम के ग्राम में दे रखा है और आपको क्या करना है किलोग्राम में इसको चेंज करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको किलोग्राम में दे रखा था हमने ग्राम में चेंज किया उसके लिए मैंने क्या था मल्टीप्लाई, लेकिन अब ग्राम किलोग्राम में चेंज करना है इसलिए हम करेंगे डिवाइड। इसका डिवाइड देना है 1000 का। सबसे पहले आपको दिया गया 1500 ग्राम जिसमें आपको इसका डिवाइड देना है 1000 का, 1000 का डिवाइड देना तो 1 2 1 2 0 कट हो गया। अब आपको यहाँ पे दिया गया 15 अपॉन में 10 तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 यानी क्या बचा अपने पास 3 अपॉन में 2 2 का डिवाइड देंगे 3 में 2 1 2 वन टाइम वन रिमाइंडर बच गया आपको लगाना है ऊपर और 2 था वो आपको नीचे राइट करना है ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। यहाँ पे दे रहेगा 2250 ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट हो गया तो बचा क्या आपके पास 225 अपॉन में 100 100 का डिवाइड देंगे इसमें यानी 100 100 100 200 100 100 3 300 तो 300 तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए अपन 2 टाइम डिवाइड देंगे इसमें 2 टाइम डिवाइड देने पे आएगा 200 बचा क्या अपने पास 25 तो 25 आपको यहाँ राइट करना है अपॉन में डिवाइड किया था आपने 100 का तो 25 की टेबल 25 1 25 25 4 100 2 and 1 upon 4 kg। इन सब के लिए आपको जो टेबल है वो अच्छे से आनी चाहिए तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। 100 ग्राम दे रखा है इसमें डिवाइड देना है 1000 2 0 से 2 0 कटोगे बचा क्या आपके पास 1 upon 10 1 में 10 का डिवाइड जाएगा नहीं इसलिए ये आपका आंसर हो गया। लास्ट है 4750
इसमें डिवाइड देना आपको 1000 का, 10 से 10 कटोगे बचा क्या आपके पास 475 अपॉन में 100, 400 100 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा इसमें, 4 टाइम यानी 4 100 की टेबल बोलेंगे, 100 100 100 यानी आप टेबल बोलते जैसे 100 बन जाए 100, 100 टू 200, 100 थ्री 300, 100 फोर 400, तो 4 टाइम में 400 आएगा, 5 टाइम में 500, तो 500 इसमें ज्यादा जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है 4 टाइम बोलना है, बचेगा क्या आपके पास 75 अपॉन में आपको दिया गया 100, 25 की टेबल में ये आता है 75 और 100, 25 25 टू जा 50, 25 थ्री जा 75 और 25 फोर जा 100, तो 4 एंड 3 अपॉन में 4 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लास्ट में आपका 3 अपॉन में 4 आएगा या 1 अपॉन में 4 आएगा या 1 अपॉन में 2 आएगा, ये किस प्रकार से आता है आपको देखना है। अगर लास्ट में 500 होता है इसके लिए होता है आपका हाफ, और आपका 250 होता है इसके लिए होता है आपका 1 अपॉन में 4 जो मैंने आपको भी पहले बताया था, फिर होता है आपका 750 के लिए होता है 3 अपॉन में 4, और 200 के लिए होता है 1 अपॉन में 5। तो ये कुछ बातें जो आपको अच्छे से लर्न करनी है तभी आप इनको स्पीड से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 फाइंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो दिए गए स्टेटमेंट आपको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो चलिए इनको देखते हैं। 1 ग्राम इज 100th पार्ट ऑफ 1 किलोग्राम, आपको पता है कि जो 1 kg यानी 1 किलोग्राम उसमें कितने ग्राम होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 जो 1 होगा वो क्या होगा आपका 1000 पार्ट होगा, ना कि आपका 100 पार्ट। 100 का मतलब हो गया कि 1 यानी आपका जो 1 kg उसमें आपका 100 ग्राम होता है, तो ये आपका फॉल्स है। मल्टीप्लाई बाई 1000 टू कन्वर्ट किलोग्राम यूनिट इंटू ग्राम यूनिट, यानी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड देते हैं। तो ये बोल रहा है आपको कि अपन क्या करते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा आपका ट्रू। 4 packets ऑफ 250 ग्राम साल्ट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ साल्ट, यानी 250 ग्राम के कितने पैकेट बनाए इसने, 4 पैकेट, यानी 4 पैकेट बनाए 250 ग्राम के फॉर्मेड 1 kg ऑफ साल्ट यानी 1 किलो नमक से, 4 पैकेट यानी 250 में लाइक होता है 500, और इन दोनों को मिला के होगा 500, और 500 मिला के होता है आपका 1000, 1000 का मतलब होता है आपका 1 किलो, तो 1 kg, तो 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे इसमें, 4 पैकेट बनेंगे, ये राइट है। इफ द साइज ऑफ वुडन स्टिक एंड आयरन वेट यूनिट आर इक्वल देयर वेट आर आल्सो इक्वल, यानी इसके अंदर आपको दे रखा है जो एक लकड़ी का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा, यानी दोनों साइज में सेम होंगे, लोहे का टुकड़ा और लकड़ी का, और उनको बोला जाता है कि दोनों का जो वेट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको पता है कि जो आयरन होता है लोहा उसमें वजन ज्यादा होता है, वो जो लकड़ी होती है स्टिक सॉरी वुडन वुड होती है उसमें आपका जो वजन है वो आपका कम होता है, तो इसमें आपका इक्वल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12 जो कम्प्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज है 13 वो स्टार्ट करूंगा।